So ladies and gentlemen, as I mentioned before that this day is about dance. और अगर हम देहाती डिस्को के ट्रेलर लॉन्च पर आए हैं और उन्हीं के कास्ट क्रू मेंबर्स के द्वारा डांस ना देखें तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो क्या कहते हैं, कैन वी ऑल हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शक्ति प्लीज. सो वेलकम, मेक सम नॉइज फॉर गणेश आचार्य, मास्टर सक्षम. Ganesh, we cannot let you go without saying a few words to all the press members and the guests who are present over here. Thank you. Aaj mere liye sabse bada din hai. Bahut bada matlab bahut bada. Dance field mein apna career banane ke liye main bhag raha tha. Aur mujhe career mein यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे भगवान मेरे सामने हैं, गोविंदा जी. इनका अगर एक कॉल, मैं उस मेरे में चाल में रह रहा था, सार्वजनिक फ़ोन बाजू में था, अगर वो एक कॉल नहीं आता तो शायद यहाँ गणेश आचार्य नहीं होता. वो कॉल गोविंदा जी का था मेरे लिए. बहुत बड़ा दिन डांसिंग के लिए, मतलब इससे बड़ा डांस का दिन नहीं हो सकता. थैंक यू भैया, आप हमेशा मेरे साथ रहते. आज मेरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है देहाती डिस्को, उसके लिए आप आए यहाँ पे, बहुत 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 शुक्रिया. फिर मेरे दोस्त अहमद खान, जिसको मैं अहमी बोलता हूँ, हमें बहुत प्यार है. आज उसकी फिल्म रिलीज हुई है हीरो बनती. बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं ले यहाँ आया है. थैंक यू एमी, लव यू एमी. टेरेंस, थैंक यू टेरेंस. शक्ति, थैंक यू वेरी मच. आप लोग पूरी टीम, शिवा मेरे साथ, हम लोगों ने लॉकडाउन में काम स्टार्ट किया था, जब सब जन अपने घर पे थे, हम दोनों काम पे थे. तीन तीन चार चार बजे हम लोगों ने बैठ के म्यूज़िक बनाया. मेरे डायरेक्टर मनोज शर्मा यहाँ पे, और मेरे प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा, अब्बास भाई, फिर इस फिल्म में जुड़े कुरेशी प्रोडक्शन के वसीम भाई, जितेश भाई, और सब पूरी टीम यहाँ पे. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. और मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम ले लूँ, हमारा फंक्शन आगे चले हम लोग. तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो देहाती डिस्को को सपोर्ट करने के लिए कुछ एस कोरियोग्राफर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मंच बुलाया जाए. कैन आई प्लीज़ रिक्वेस्ट अहमद सर टू प्लीज़ जॉइन अस ऑन द स्टेज. टेरेंस सर, कैन यू प्लीज़ हैव यू ऑन द स्टेज. शक्ति, कैन यू प्लीज़ हैव यू ऑन द स्टेज विद अस. कैन वी ऑल मेक सम नॉइज़ फॉर देम प्लीज़. बहुत बहुत धन्यवाद, आप देहाती डिस्को को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, गणेश जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं आज के दिन. और इंटरनेशनल डांस दिवस है, इस दिन पर अगर ऐसे डांस के दिग्गजों से मुलाकात हो सके तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है. वेलकम शक्ति. शक्ति, आई विल रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट देहाती डिस्को, अबाउट इंटरनेशनल डांस डे, और इस खूबसूरत, ये पहले तो गणेश जी, ये किसी ट्रेलर का लॉन्च नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी 500 करोड़ बजट की मूवी का सेट लग रहा है ये. हेलो सर, हाउ आर यू शक्ति? आई विल रिक्वेस्ट यू. मैं पहले चाहूंगी कि इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स यहाँ पर हैं, अहमद सर पहले आप बोलें प्लीज. सो स्वीट, थैंक यू गाइस. पहली बात तो ये वर्ड बहुत ही एसोसिएट करता है हमें, क्योंकि डिस्को सुना था, देहाती डिस्को पहली बार मैंने सुना हूँ. तो आज से 29th of April डांस डे पे आई कैन से एक डांस वर्ड इजाद हुआ है थैंक्स टू गणेश. इट्स कॉल्ड देहाती डिस्को. सो ये याद रखना हिंदुस्तानियों अब से. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी गुड द वे यू प्ले योर म्यूजिक. आई मीन आई बीन अ फैन ऑफ योर म्यूजिक ऑल द टाइम सर. एंड आई नो गणेश ने इस पर काफ़ी मेहनत की है. 2019 में भी हमारी बात हुई थी इस फिल्म को लेके, एंड ही हैड इनमें ये था कि जुनून था, बोले मैं सबके मुखालिफ जाऊंगा, भले कोई कुछ भी बोले, बट मैं ये फिल्म ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं डांस के सब फॉर्म, एक आँख को
पूरी तरह दिखाना चाहता हूँ और हमने यहाँ देख लिया whether it was contemporary western whatever and there you had some dehati stuff happening the mixture was beautiful ganesh I just wish and pray all the best to you and may god bless you always yeah brother firstly sabko international dance day ki mubarakain thank you hum hai isliye ke liye ki aap हमें इतना प्यार देते हैं अपना सपोर्ट करते हैं टू ऑल द डांसर्स टू द डांसिंग कम्युनिटी हमारी जो कॉम है जो लोग हमें बहुत प्यार देते हैं जो आम जनता है जिनको मैं आम नहीं कहूँगा बहुत ही अजीज़ हैं वो दिल के वो हमें इतना मान देते हैं एंड व्हाट अ बेटर वे देन टू स्टार्ट इंटरनेशनल डांस डे विद रिलीज और लॉन्च ऑफ दिस ट्रेलर एंड दिस ब्यूटिफुल फिल्म गणेश मास्टर जी एक ऐसे यू नो ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन ही इज़ नॉट अ पर्सन ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इतनी सारी फिल्में करी हैं और वो ओल्ड स्कूल कोरियोग्राफी जो आज भी मुझे लगता है कि वी शुड होल्ड ऑन टू ही इज़ द लास्ट लिविंग लेजेंड इन दैट सेंस बिकॉज आजकल के बहुत सारे नए पीढ़ी के कोरियोग्राफर्स हैं हम जैसे बट जो टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं जो सेंसिबिलिटीज इनकी हैं वो कमाल की है एंड इज़ द लास्ट सरोज जी अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट विद अस बट शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन आई रिस्पेक्ट मोस्ट इन दैट जोन And then there is, you know, Ganesh Master Ji, who has an incredible body of work. We are inspired, sir, by what you do. And most importantly, ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे choreographers हैं और बहुत कुछ हम करना चाहते हैं और सोचते रहते हैं लेकिन Ganesh Master Ji कर देते हैं. That's the best part of it. That's the best part of it. You know, ये करना, ये film, you know, अपनी मेहनत पर, you know, खड़ा करना. With just him and you know the most amazing talent this young boy that you see you're amazing son and also you I've worked with you before it's so amazing for our dance community to see films on dance being made but bahut kam films banti hain so thank you sir for doing what you do and wish you all the very best sir main kya bolu matlab this is the luckiest day of my life main itne sare legends ke sath aaj yahan par khadi hu जब मैंने डांस स्टार्ट किया था मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था ये दिन आएगा कि गणेश सर मुझे बोलेंगे कि यू नो वर्ल्ड डांस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्लीज़ कम फॉर दिस इवेंट आई एम वेरी वेरी लकी बहुत ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि वहाँ गोविंदा सर बैठे हैं यहाँ टेरेंस सर मेरे गुरु हैं अहमद सर जिनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ मिस्टर इंडिया में एंड नाउ तो ही स्किलिंग इट एंड गणेश सर आपके बारे में मतलब जितना बोलो उतना कम है आपकी हर एक कोरियोग्राफी ऐसी होती है जो हम लोग जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं सब लोग आपको देखते हैं और हम मतलब समझ नहीं आता कहाँ से आप क्रिएट करते हैं इतना यूनिक इतना अमेजिंग होता है सब कुछ सर सो इंस्पायर्ड कि आप एक फिल्म बना रहे हैं डांस से रिलेटेड वो भी देहाती डिस्को और बहुत ज़रूरी है आज हमें अपने कल्चर को आगे ले जाना और वो आप कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच सर इट्स सच एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड डांस डे विद सच लेजेंड्स आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग For giving us so much support, thank you. Thank you so much. और अब वक्त आ चला है कि हम उस शख्सियत को यहाँ पे मंच बुलाएं, who is a synonym for dance. Can we all put our hands together for one and only Govinda Kachichi? गोविंदा जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के दिन हमारे साथ देहाती डिस्को के ट्रेलर लॉन्च पर मौजूद है और पूरी ऑडियंस इंतज़ार कर रही है आपकी आवाज़ सुनने के लिए ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्रहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव
बहुत बहुत धन्यवाद. आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए. मैं शायद वो कृपा है मुझ पे, मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी के पुण्य है कि जो जिंदगी में चाहा वो ऊपर वाले ने अता किया. मैं जिस वक्त फिल्म लाइन में आया कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टार हो जाऊंगा, पर मेरी ये कल्पना थी, मैं हुआ. फिर ऐसे में जिस वक्त सब टॉप स्टार थे उसमें मैं कहां और कैसे, पर कल्पना थी, जिद थी, हुआ. जो क्रिया करे और कल्पना ऐसी हो कि उसमें सदैव कल्याण रहे वो कामयाब हो जाया करती है. वो कल्पना कामयाब हुई और उस कामयाबी के बहुत से लोग फिल्म लाइन में मेरे हिस्सेदार हुए. उसमें से एक आपके आदरणीय गणेश आचार्य हैं और ऐसे बहुत. और ये राज है, आज मैं आप लोगों के मंच से जहां जहां जो जो डांस नृत्य इससे जुड़े हुए हैं मैं उन सभी तक ये आवाज पहुंचाना चाहूंगा. दक्षिण मुझे बहुत प्रिय है. जो क्रिया जो कल्पना वर्षानुवर्ष से हम देखते आ रहे हैं दक्षिण किया करता है वो कल्पना शायद ही दूसरे लोग उस मकाम पे पहुंचने की ताकत रखा करते हैं. ये 27 मई जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हो रही है मुझे सही अच्छे से ख्याल है पूरे 17 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स से निकल आया. और ये 17 साल जिस वक्त मैं फिल्मों में ज़्यादा दिखाई नहीं दिया वो हर कामयाब आर्टिस्ट जो साथ जुड़ा वही छाया रहा. आप लोगों की कामयाबी में मैंने मेरी बहुत सी कामयाबियां देखी हैं. आप लोगों की कल्पनाओं में मुझे सच्चाई अच्छाई आज कहीं दिखाई देती है तो उसमें गणेश आचार्य की कल्पना हुआ करती है. जड़ से जुड़े रहे जो हिलते नहीं है. आपके लिए आज की तारीख में जिस मुकाम पे आप हैं आपको ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं है कि आप ऐसे कहें कि ये सामने मेरे भगवान बैठे हैं, परंतु ये आप में जो आपका जो भाव है ये दक्षिण का भाव है. वहाँ एक गिलास पानी भी पिला दे किसी के लोग भूलते नहीं, खाना खिला दे लोग भूलते नहीं, प्रेम कर ले, पैसे दे दे, दुख में साथ खड़े हो जाए, भूलते नहीं है. ये न दिखाई देता हुआ डांस है. जो दिखाई देता हुआ डांस है वो बड़ा डांस नहीं है. डांस 9 प्रकार के हुआ करते हैं. जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा है आपके जीवन में वो क्यों है, क्या है, कैसे है, वो जब तक आपके समझ में ही नहीं आएगा सही कदम नहीं उठेगा. नहीं उठेगा तो डांस भी नहीं होगा. बिना बोले जो बात करता है वही अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार है जो बिना बोले बात करता है और बिना बोले क्रिया करे ही जाता है, वो क्रिया कभी खत्म ही नहीं होती. डांस का आज का ये जो माहौल है जो 2022 में शिव जी की कृपा से ऊपर वाले ने जो कर्म किया है उसकी कृपा के वजह से निकल जाएगा
इसका बहुत श्रेय आदरणीय गणेश आचार्य की तरफ जाएगा और उनकी सोच की तरफ जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि किसी ने तो यहां इस तरफ नजर तो की। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी किया हुआ क्रियाओं से किसी के अटका दें बड़ा नहीं है, बाहर निकाल दें, कमाल के आर्टिस्ट हैं आप। इसीलिए उसका नाम आर्ट एंड कल्चर रखा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर जहां जहां हुआ करेगा वो सदैव कामयाब रहा करेंगे, वर्षानुवर्ष रहेंगे। मैं आज के इस मंच से उन सभी डांस परफॉर्मर्स जहां जहां वो लोगों से कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग परफॉर्मर हैं या डांसर हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। सही टाइम पे, सही जगह, सही वक्त पे बिना बोले बात करो। ना वास्तु दोष, ना शब्द दोष, ना किसी का क्रिया दोष। ऐसा नाद चाहिए जिसमें ब्रह्म हो, और ऐसी क्रिया चाहिए जिसकी कल्पना बहुत ही कमाल की हो, जैसी आपकी है। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं कि आप तिहाई की तरफ मेरे तरफ आए। मैं तिहाई कभी मारता नहीं, मैं कभी तिहाई नहीं मारता, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। परंतु जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो काम आप करते हैं, और इस मंच के माध्यम से यहां पे जो शुरू होगा ये नया सिस्टम, मैं उम्मीद करता हूं जैसे दक्षिण के लोग काम कर रहे हैं वैसे यहां से ये काम शुरू हो जाए, और जैसे दक्षिण के लोग कामयाब हो रहे हैं वैसे आप लोग समझें और कामयाब हो जाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदैव प्रेरणा ऐसे लोगों से लिया करें जैसे कि गणेश आचार्य हैं, जैसे कि शिवानंद जी हैं, जैसे कि टेरेंस हैं। ये सब गुड हार्टेड लोग हैं। आप लोग, आप ही लोगों से प्रेरणा लें। पॉलिटिक्स से मैं निकला हूं, उसके बाद वर्षानुवर्ष बाद आज ऐसी स्पीच दी है मैंने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। मैं आजकल स्पीच नहीं देता हूं, मेरा दिल भी नहीं होता है। मैं जो कह दिया करता हूं कर देता हूं। गणेश आचार्य फिल्म लाइन की हिस्ट्री जहां जहां जैसे जैसे आगे चलने वाली है उसमें गणेश आचार्य का नाम चलने वाला है, हिट है। आप लोगों को गलतफहमी होगी कि जो फिल्में चलती हैं वही चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिया जो उसमें समाहित है, कल्पना जो उसमें समाहित है, वही कामयाब है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। और डांस का धन्यवाद है कि आज हम लोग सब इस मंच पे यहाँ पे साथ में हैं। मैं जहाँ जहाँ जो जो डांसर्स जो गरीब तबके के हैं, जो बहुत तकलीफ से नीचे से ऊपर आ रहे हैं, मैं उन सभी से कहूँगा आप सब में कहीं एक गोविंदा है। और हर वो आदमी जो उसकी कला में ये समाधान देख ले, ये प्रयोजन कर दे कि उससे उसका घर परिवार मित्रगण जो जो है जहां जहां वो सब कामयाब हो जाए, वो सब हीरो नंबर वन है। वो जगह पे जहां जहां वो इस वक्त है, कभी ये ना सोचे, कभी ये ना सोचे कि वो हीरो नंबर वन से कम है या किसी से कम है। आप सब आपकी जगह पे हीरो नंबर वन है। जिसका दिल अच्छा है कल्पना अच्छी है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, प्रणाम। मुंह से शब्द ऐसे निकल गए हो अन्यथा लगे, क्षमा प्रार्थना करता हूं। और आपकी क्रिया में कहीं त्रुटि रह गई हो क्षमा प्रार्थना करता हूं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दोज़ आर रियली मोटिवेशनल वर्ड्स। और अब
इससे पहले कि हम देहाती डिस्को के बारे में कुछ भी बातचीत करें, सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, वो ट्रेलर देखते हैं जिसको देखने के लिए हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं. सो आर वी रेडी टू वॉच द ट्रेलर ऑफ देहाती डिस्को? मेक सम नॉइस प्लीज. कैन वी हैव ऑल द आईज ऑन द स्क्रीन लेडीज जेंटलमैन? हम सब मिलकर देखते हैं आज आपके सामने देहाती डिस्को का ट्रेलर. अब ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसी होगी? आई नो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी, बट इससे पहले कि हम देहाती डिस्को के बारे में और कुछ बातचीत करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज आवर डायरेक्टर फॉर द मूवी, मनोज शर्मा जी. कैन वी ऑल हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनोज शर्मा, द डायरेक्टर फॉर देहाती डिस्को, एंड द प्रोड्यूसर्स मिस्टर गितेश चंद्रकर, मिस्टर वसीम कुरैशी जी जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट वी हैव हिज यंगर ब्रदर मिस्टर अयूब कुरैशी जी एंड हिज सन मिस्टर मुहाफिज कुरैशी जी हु आर प्रेजेंट ओवर हियर, एंड मिस्टर कमल किशोर मिश्रा जी. कैन वी हैव द प्रोड्यूसर्स? आपने कैसे सोचा कि एक कोरियोग्राफर से एक्टिंग करानी चाहिए? गणेश मास्टर जी के साथ मेरा पहले से ही साथ रहा है और ये सब्जेक्ट भी एक्ट कर चुके हैं और इसमें इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है. मैं एज एन एक्टर मास्टर जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत आसानी से उनको डायरेक्ट करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो खुद एक टेक्निकली पर्सन है, हर चीज़ बड़ी आसानी से समझते थे. और मेरी कोशिश है कि मास्टर जी की जो पहले फिल्में आई हैं उनसे बहुत अच्छी परफॉर्म इस बार आप देखेंगे. थैंक यू. तो मनोज जी, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है हम ये मूवी देखने के लिए, और कभी कुछ ऐसा होता था क्या कि गणेश जी एक मास्टर जी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मास्टर जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही प्यारी मूवी है, उनका एक्टिंग, उनकी कोरियोग्राफी, और आप सब जानते हैं कि वो हमारी कंट्री के लेजेंडरी कोरियोग्राफर है. तो आप सभी 27 मई को मूवी ज़रूर देखिएगा. इनके साथ काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा है. दिल से किए, पूरा सपोर्ट हम लोगों ने लखनऊ में किया, वहाँ कमल हमारे साथ थे, मनोज जी थे. फिर फिल्म बनने के बाद जब फिल्म वसीम भाई ने देखी, कुरैशी प्रोडक्शन प्रेजेंट जो है प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने फिल्म देखी, उनको फिल्म बहुत अच्छी लिखी, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने दो बार देखी और कहा कि ये फिल्म रिलीज़ मैं करूँगा, इसको अब पीएनए लगा के मैं फुल धूम. आप देखिए जो इतना बड़ा हंगामा हुआ है इनके तरफ से हुआ है. पैनोरमा स्टूडियो रिलीज़ कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूरे कास्ट, पूरी टीम. हाँ अच्छा, वो तो बुला लूँगा मैं. हाँ ठीक है, और थैंक यू वेरी मच. डर तो नहीं लग रहा था, मज़ा आ रहा था, और मुझे बहुत मज़ा आया सर के साथ मूवी करके. मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत मज़ा आया. सर मेरे इंस्पिरेशन है, जब भी मैं इनको देखता था ना तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के. तो मैंने इनके सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया, फिर उसके बाद मैंने इनके डांस स्टाइल कॉपी करने लगा, फिर मज़ा आया बहुत. थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इस फिल्म के को प्रोड्यूसर्स भी है, V2S है मेरी वाइफ विधि, फिर पुष्पा कृष्ण मेरा क्रिएशन बहन प्राची मूवी है, फिर उसके बाद और कौन है, रोड स्टार्स के पार्टनर हमारे साथ ज्ञान जी, आप भी आ जाइए प्लीज सर. थैंक यू वेरी मच. और आइए ज्ञान जी. आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन एंड द साउंड डॉट कॉम हु वॉज जस्ट क्रिएटेड माई कंप्लीट साउंड, माई फेवरेट साउंड, एंड माई बॉयज मणि एंड गणेश कनकराज टू हेल्प टू सेट अप एवरीथिंग यस्टरडे एंड एंटायर टीम. थैंक यू वेरी मच अवर टीम. गणेश जी थैंक यू, डायरेक्टर सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. तब में प्रमुख रूप से है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जहाँ तक आप इतने बड़े कोरियोग्राफर हैं और जो नृत्य होता है
वो उसकी कोई भाषा नहीं होती. तो इसे क्यों आप बांट कर देख रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी नृत्य हो, हिंदी नृत्य हो, नृत्य नृत्य होता है, तो इसको एकदम सही कहा आपने. इसकी कोई भाषा नहीं है, कला की कोई भाषा नहीं है. सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज हमारे कल्चर के लिए मैंने दर्शाई है. हमारे कल्चर में कितने ऐसे फॉर्म डांस है, लावनी है, गरबा है, पंजाबी है, जो प्रेजेंट नहीं होते. और हम इसमें ये मैसेज जाना चाहता है कि हम ये नहीं कहते कि जो आप सीख के आए वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है. हम उसको झुक के नमन करते हैं. लेकिन मेरी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी, मैं उस पर गर्व करता हूँ. तो इस फिल्म में ऐसा एक पार्ट है कि कोई साहिल है, उनकी डैडी बोलते कि ये हम ये किया वो किया, तो उसके द्वारा ये जो हम डांस को पेश कर रहे हैं. तो इसमें वो भाषा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गणेश आचार्य जो बॉलीवुड स्टाइल करता है वो पूरा इसके अंदर है. गणेश, थैंक यू. गणेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ट्रेलर एंड योर एक्टिंग. थैंक यू. नाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस बिटवीन एक्टिंग एंड कोरियोग्राफी. हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, कोरियोग्राफर तो मैं अभी भी हूँ. मेरी हर वीक एक फिल्म रिलीज होती है. लास्ट टाइम भी देखिए बच्चन पांडे, या उसके पहले भी देखिए पुष्पा, मैंने की थी पुष्पा फिल्म, मैंने की. कोरियोग्राफी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये इस फिल्म में मैं एज ए फुल फ्लैश हीरो नहीं हूँ. मैं एक फादर का रोल कर रहा हूँ, जो मेरा बेटा प्ले कर रहा है सक्षम. उसके ख्वाब है कि वो डांस में कुछ करे और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको बेहतरीन थोड़ा कर सकता हूँ, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा हट के कुछ करूँ. और मैंने इससे पहले रेमो की ABCD की थी, उसमें एक छोटा सा रोल किया था मैंने. और ये डांसिंग फिल्म में ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, बच्चे को सपोर्ट करना, इसलिए मैंने किया. मिस्टर मनी, टेल अस अबाउट द म्यूजिक, व्हाट अदर सॉन्ग्स यू आर गोइंग टू हैव इन द फिल्म. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गणेश जी टू ब्रिंगिंग मी इन दिस देहाती डिस्को. डिड अगोरा as a song, and Taka Taka Dum Dum, it's my favorite, and Arati, lots of music we did, and please enjoy, and thank you entire team. Thank you. We'll take one last question. Sir, here, on your right, left. Vinita here. Sir, first of all, congratulations. Thank for you. Trailer. It's look awesome. Thank you. And I want to ask, like Govinda sir mentioned in his appreciation, that this is the system you have started. So what's more we can explore in this ground-rooted drama of dance? What's next in your pipeline? What's your amazing? Agar ye डांसर्स और ऑडियंस को पसंद आए तो डेफिनेटली देहाती डिस्को 2 होगी. उसमें भी देहाती होगा, क्योंकि गणेश आचार्य मीन्स देहाती. मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ. मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ही ग्राउंडेड रहता हूँ. इंडियन डांस को मैं प्रोत्साहन करता हूँ, मैं इंडियन डांस को प्रेजेंट करता हूँ, और कई सालों से करते आ रहा हूँ. आज मुझे 32 ईयर्स हो गए. मैं मेरे स्टाइल को फॉलो करता हूँ, जिसमें पूरा हिंदू कल्चर होता है. एक टिपिकल बॉलीवुड को मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें क्लासिकल भी होता है, फोक भी होता है, हर कल्चर होता है. मैं वेस्टर्न डांस भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ. लेकिन मेरा कहना एक ही मतलब है, डांस जो दिल से आए, जो अपना आए, वो होता है डांस. वो नहीं होता है कि हम किसी बाहर कल्चर से उसको फॉलो करें. थैंक यू. थैंक यू सर. यस. One last question from the media. Hi, sir. Here, on the same side. Hi, yeah. Yeah. Hi, Ganesh sir. Hi, everyone. First of all, the trailer of the movie was amazing. So, I have a question for Saksham. मुझे पूछना है, आप सुपर डांसर के फाइनलिस्ट थे चैप्टर 3, और आपका फर्स्ट मूवी जिसमें आप गणेश जी के बेटे हैं, आपको हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द मूवी? मैं बहुत एक्साइटेड था. मुझे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे को मम्मी ने बताया, तो मैं बहुत खुश हुआ. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं फिल्म में दिखूँगा, मतलब थिएटर में दिखूँगा, मुझे सब लोग देखेंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड था. ऑल्सो
क्या आप डू यू वांट टू बी अ हीरो इन द फ्यूचर? यस. ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग. थैंक यू. थैंक यू. यू विल. आई थिंक ही इज ऑलरेडी अ हीरो. माइक पीछे ना. एक हां बोलिए. हेलो. या हमारा सवाल मनोज शर्मा जी से है. डायरेक्टर मनोज जी. हाँ जी. हाँ. या हमारा सवाल ये है कि स्टोरी जो है देहाती डिस्को की, वो पहले आपके दिमाग में आई थी या गणेश जी आपके टच में थे, उनको देख के ये स्टोरी याद आई? ये बेबी मास्टर जी का था कॉन्सेप्ट. हम दोनों ने, होते ना फादर मदर हैं हम इस सब्जेक्ट के, तो कॉन्सेप्ट मिलके हमने डेवलप किया. और मास्टर जी को ध्यान में, मतलब इंडियन डांस और मास्टर जी का जो एक सिग्नेचर है कि देसी डांस जो हम लोग सब फॉलो करते हैं, और एक सब्जेक्ट को हमने मेहनत की. डांसिंग तो डेफिनेटली मास्टर जी की फिल्म है तो वो डांस तो बनता ही है, वो भी इंडियन डांस. तो एक अच्छा सब्जेक्ट हम लोगों ने मेहनत की और इसमें इमोशन, और बाप बेटे का बहुत अच्छा इमोशन है इसमें. तीन चार जगह ऑडियंस को रोना आएगा. और एक बहुत अच्छा ड्रामा हम लोग बनाने में कामयाब हुए और मज़ा आया. मास्टर जी के साथ एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ थे और आज भी हैं. हाँ जी. कैमरे के सामने आना कितना इजी है बोल रहे आप. बचपन में तो एक्टर ही बनना चाहता था. बचपन में तो एक्टर ही बनना चाहता था. हालात ने जूनियर आर्टिस्ट बना दिया, ग्रुप डांसर बना दिया, फिर असिस्टेंट बना दिया, फिर कोरियोग्राफर बना दिया. जिस मोड़ पे भगवान ने चाहा उस मोड़ पे चले गए. लेकिन जो बनना चाहता था बचपन, भगवान ने फिर वही बना दिया. तो इंसान को अपनी इच्छाएं जिंदा रखनी चाहिए और जो अपने दिल में है वो करना चाहिए. वक्त आता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिसपे आप मुड़ जाते हैं, लेकिन आप अंदर जो इच्छा है उस रास्ते पे आप अपने आप आ जाते हैं. मास्टर जी, आप और गोविंदा जी का ट्यूनिंग इतना अच्छा है, इसका राज क्या है? वही तो ऊपर वाले को पता है. कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ कनेक्शन होता है. लोग मुझे कहते हैं कि गोविंदा जी को आपने स्टाइल दिया, बनाया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ गोविंदा जी ने मुझे बनाया है. कहीं स्टाइल है उनके साथ. मैं जब स्ट्रगल करता था तब मेरी बहन ने कहा कि गणेश तेरा स्टाइल गोविंदा से बहुत मिलता है, मिल उनके पास जा, स्ट्रगल कर. और मैं जब उनको मिला तो वाकई वो चीज़ सामने आई. और फिर हम लोगों ने कहीं ऐसे गाने किए जो आज लेजेंडरी में, आज भी मुझे कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहते कि ये गाना देखो, जो गाना हम लोगों ने 4 घंटे में किया शूट, एक दिन में शूट किया, वो गाना दिखाते किसी डिस्को में जाए, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, बाद में बहुत सारे गाने. तो मुझे आज भी खुशी है कि मुझे और गोविंदा जी को पब्लिक ने अपने अंदर रखा है, दिल में रखा है, जिंदा रखा, प्यार करते हैं. और आज कहीं चीज़ ऐसे डिजिटल पे हम लोग के गाने आते हैं तो बहुत खुशी होती है. मास्टर जी, आज काफ़ी डांस कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन रहे, तो इसका क्या, आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैं तो 2007 में डायरेक्टर बन गया था. स्वामी फिल्म की थी मैंने, मनोज बाजपेयी जी चावला की, लेकिन वो सॉन्गलेस थी, डांस की फिल्म नहीं थी. ये डांस की फिल्म है. मुझे हमेशा लोग कहते थे कि आप डांस की फिल्म क्यों नहीं करते, डांस की फिल्म क्यों नहीं करते. फिर मैंने कहा, मनोज मेरे पास आए कि बोले फिल्म करना है. मैंने बोला ये एक सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं. फिर कमल को बोर्ड पर लिया, फिर मैंने शिवा मणि को बोर्ड पर लिया, फिर ऐसे करते करते फिर अभी लास्ट कुरेशी प्रोडक्शन बोर्ड पर आए. बस इसे जर्नी स्टार्ट हुई देहाती डिस्को की. और 27 मई को रिलीज हो रही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर में जो सपना मैं कई सालों से लेकर निकला था वो यहाँ पे आ रहा है. इसमें ना मैं हीरो हूँ ना कोई हीरो है, इसमें हीरो है डांस, कला, डांस. डांस बहुत बड़ा हीरो है इसमें. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस. वी विल नाउ हैव अ पिक्चर ऑफ गणेश जी एंड मास्टर सक्षम ऑन द स्टेज, फॉलोड बाय